दिन भर की चुनिंदा खबरों के लिए हमारे चैनल सिग्मा न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिर्जापुर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश पर जुलूस मुहम्मदी इमामबाड़ा दरगाह से उठकर पूरे शहर में घूमते हुए इमामबाड़ा पर आकर समाप्त हुआ। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोग हाथ में झंडा लेकर चल रहे थे। मिर्जापुर से सिग्मा न्यूज संवाददाता टीपू सुल्तान की रिपोर्ट। मैं नजम अली खान मदरसा अरबिया लियर घाट मिर्जापुर का प्रिंसिपल हूँ। आज 12 रजबुल शरीफ है, बड़ा ही मुकद्दस और मुबारक दिन है और आज की वो जो तारीख है उसी के सदक़े में पूरी कायनात को आज़ादी मिली है। कि हमारा ईमान और हमारा अकीदा है कि अगर आज हमारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाते तो ना आज ये आसमान का शामियाना होता, ना ये ज़मीन होती, ना ये चांद होता, ना ये सूरज होते, ना आप होते, ना हम होते। आज जो कुछ मिला है अल्लाह ने अपने रसूल के सदक़े ही में सब कुछ हमें नवाजा है, इसलिए हम अपनी खुशियों का इजहार करेंगे। आज 12 रबी अव्वल का जलूस निकला, आपके द्वारा किस हिसाब से व्यवस्था की गई थी और क्या थे हिसाब? ये आज शहर में मिर्जापुर शहर में 12 वफ़ाद का त्यौहार जो है चल रहा है। इंस्पेक्टर लगे हुए हैं काफ़ी और सब इंस्पेक्टर, महिला कांस्टेबल, महिला उप निरीक्षक और कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, PAC लगी हुई है, QRT लगी हुई है, भारी मात्रा में फोर्स लगी हुई है कि इस त्यौहार को सकुशल तरीके से संपन्न कराया सके। और हम लोग जो है कटिबद्ध हैं कि मिर्ज़ापुर में जो है शांति व्यवस्था कायम रहे। और ये इस्तकबाल उन्होंने करके फरिश्तों की सुन्नत को अदा किया है। अल्लाह ने हमारी दुआ